दमोह के तेजगढ़ पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने पत्रकारों को संबोधित किया। कर्नाटक में कांग्रेस के वचन पत्र में बजरंग दल के बैन के मामले में बोले कमलनाथ, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया है, सामाजिक समरसता से बिगड़ने वाले संगठनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं शराब की दुकानों के मामले में कमलनाथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि शराब की दुकान अब दोगुनी नहीं तिगुनी हो गई है। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ में एक आम सभा को तेजगढ़ में संबोधित किया। इस दौरान कई पूर्व मंत्री और विधायकों की मौजूदगी रही, बड़ी संख्या में आम लोगों की मौजूदगी रही। भारतीय न्यूज के लिए दमोह से चतुर्भुज बिट्टू दुबे की रिपोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कई जगह कहा है, आज नहीं कल ने कहा कि जो भी ऐसी संस्थाएं और व्यक्ति हैं जो सामाजिक विवाद पैदा करती हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये किसी को टारगेट नहीं करना, ये है कि जो भी अपने समाज में विवाद या नफरत की बात करते हैं, किसी भी संस्था का हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, सुप्रीम कोर्ट ही कहती है इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कर्नाटक मैनिफेस्टो में शामिल किया कि मध्य प्रदेश के मैनिफेस्टो में भी आप शामिल करेंगे? ये हमारा मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हो रही है। हम तो कहते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है भाई कि नफरत, पूरा प्रदेश कह रहा है जो नफरत फैलाए, जो विवाद करवाए, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये आज हमारी सामाजिक एकता की बात है। मैंने मूर्ति बनाई है, हाँ, मंदिर बनवाया, मंदिर बनवाया इसका, और हनुमान जी के क्या संबंध है, क्या संबंध है? सर, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि एक भी शराब दुकान नहीं खोलेंगे और उन्होंने दुगनी शराब दुकानें कर दी, इसके बारे में इन्होंने शिवराज सिंह ने दिया क्या है? बेरोजगारी दी, महिलाओं पर अत्याचार दिया, घर घर में शराब दी। जो कहते थे, आपने खुद ही कही कि हम शराब की दुकानें कम करेंगे, इन्होंने शराब की दुकानें दुगनी नहीं तिगनी कर दी। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।